हेलो एवरीवन, माइसेस फ्रॉम हार्डवेयर और आज हम बात करने वाले हैं प्रश्न वाला 47 के ऊपर, जिसमें मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि दशमलव में किस प्रकार से घटाते हैं। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि कल मैंने आपको जो सिखाया था कि दशमलव को किस प्रकार से चेंज किया जाता है और दशमलव को किस प्रकार से आपस में जोड़ा जाता है, वो आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। यदि आप अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि किस प्रकार से दशमलव को घटाया जाता है। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए आज का हमारा सिर्फ एक खास टॉपिक है घटाव को लेकर के। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ घटाव के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और दूसरा कोई भी टॉपिक नहीं होने वाला है। तो फटाफट ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा आई बात समझ में? देखिए ध्यान से, तो स्टार्ट यहाँ से करते हैं। क्या है कि 4.6 माइनस देखिए दिया गया 0.23। तो कल मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था फ्रेंड्स, थोड़ा सोचिए वो कौन सा कॉन्सेप्ट था कल आपका। वो कॉन्सेप्ट ये था कि सबसे पहले सजाना जरूरी है। अगर आपको सजाने के लिए आ गया तो आप तो आसानी से घटा ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। देखिए ध्यान से, तो पहले इसको उतारते, फर्स्ट वाले को उतार देना 4.6 उतार दिए। अब यहाँ पे क्या दिया गया, 0.23 कैसे उतारेंगे। तो क्या मैंने आपको सिखाया था कि ठीक दशमलव के नीचे आपको दशमलव को उतारना है, तो यहाँ पे ये उतार दिए। इधर क्या है, देखिए 0 है, 0 उतार दिए। इधर क्या 2, 3 है, तो 2 यहाँ हो गया, 3 यहाँ पे हो गया। अब कुछ नहीं है ऊपर में, तो 0 बैठा देते हैं अपने मन से, और घटाने बोला गया ना, बस घटा दीजिए। तो देखिए 10 में से 3 जाएगा तो बचेगा 7, ये 5 हो गया, 5 में 2 गया तो बचा हमारा 3, और ये वाला क्या हो गया, 4 हो गया। कितना आसान है, यहाँ समझिए। अच्छा पहले इससे पहले ये समझ लीजिए, तो पहला चीज़ को जो पहला वाला है उसको जैसा है उसको वैसे उतार देना 42.88। लेकिन जो दूसरा वाला है उसको कैसे उतारेंगे, तो दशमलव के नीचे ठीक दशमलव को उतार देना है। इधर 7 दिया गया है तो यहाँ पे 7 उतार देंगे। इधर क्या दिया गया, 89 लिखे दिया गया, यानी 89 दिया गया, तो यहाँ पे उतारेंगे 8 और यहाँ उतारेंगे 9। अब घटा दीजिए, क्या यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या बैठेंगे अपने मन से 0 बैठा देना है। अब घटाइए, देखिए बताइए कितना आता है, तो 18 में से 9 गया, बचा हमारा 9। फिर देखिए 7 हो गया ना ये, तो 17 में से 8 गया, कितना बचा, 9 बच गया। अब यहाँ पे क्या 1 हो गया ना, तो 11 में 7 गया, कितना बचा फ्रेंड्स, 4 बच गया, और ये क्या हो गया, 3 हो गया हमारा। कितना आसान है ना, यहाँ समझिए क्या दिया है, तो 9.55 से घटाना है 7.88। तो यहाँ तो मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली है, लेकिन हाँ रूल आपको ध्यान में रखना है। क्या रूल है आपका, कि डेसिमल के सामने आपको डेसिमल को उतारना है। इधर क्या 7 दिया गया था, 7 उतारेंगे, और यहाँ पे 8 8 है, तो यहाँ पे 8 8 उतारेंगे। बस आपका सवाल कुछ भी दिया रहे, बस आपको रूल पता अच्छे से होना चाहिए। घटाइए, 15 में 8 गया तो बचा हमारा 7, अब तो ये 5 था तो 4 ना बच गया, तो 14 में से 8 गया तो बचा हमारा 6, और यहाँ पे क्या हो गया, 8 हो गया, 8 में 7 गया तो बचा हमारा 1, और ये हो गया यहाँ पर डेसिमल, यानी 1.67 आंसर हो गया। यहाँ पे समझिए क्या दिया गया, कि 0.15 से घटाना है 0.0025 को, यानी इतना बड़ा नंबर कैसे घटा सकते हैं। तो सेम वही रूल आपको देखिए लगाना पड़ेगा, 0.15 यहाँ उतार देना है, और उसके बाद फिर डेसिमल के नीचे उतारना है डेसिमल को, और यहाँ पे क्या है 0025 उतारिए, 0025, और यहाँ क्या 0 है। अब घटा देना फटाक से, क्या यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, नहीं कुछ है, तो बैठा दे 0 यहाँ पे। अब घटाते हैं, तो 10 में से 5 गया तो बचा हमारा 5, 9 में से 2 गया तो बचा हमारा 7, ये हो गया 4, और ये हो गया हमारा 1। तो ये क्या हो गया, हमारा पूरा पूरी आंसर निकल के चला आया। अब आप ही बताइए फ्रेंड्स, क्या इन चारों में से आपको कोई ऐसा मैथ है जो आपको समझ में नहीं आया हो। अगर आपको अभी भी डाउट है तो मैं अगले 2-4 क्वेश्चन और मैं आपके सामने लेकर चल रहा हूँ, तो फटाफट हमारे साथ बने रहिएगा। अगला मैं देखिए मैं लेके चलता हूँ आपके सामने, सिर्फ सजाने आना चाहिए। अगर आपको सजाने के लिए चला है ना फ्रेंड, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए मैं ये लेके चलता हूँ 11 नंबर पे, क्या है वो, 0.2 से माइनस करना है 0.00005। ये मेरी तरफ से क्वेश्चन था, रूल वही है, फर्स्ट वाले को जैसा है इसको वैसे ही उतार लीजिए 0.2। अब सेकंड वाले को कैसे उतारते हैं, तो डेसिमल के नीचे पहले आपको डेसिमल उतारना है, यानी दशमलव के नीचे पहले आपको दशमलव को उतार देना है। उतार दिए, अब दशमलव के इस तरफ जो है उसको लिख देना है इस तरफ, और उस तरफ जो है उसको लिख देना है गम उस तरफ, कोई फर्क नहीं पड़ता कहाँ जा रहा। उतारिए 4 0 1 5 उतारिए, 1 2 3 4, और यहाँ पे 5 है। अब यहाँ पे कुछ दिया हुआ था, कुछ नहीं दिया हुआ था, तो वहाँ पे अपने मन से क्या करेंगे, लास्ट में
जीरो बैठा देना है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब घटाने को लगे घटा दीजिए, तो क्या ये कटेगा 10 0 से 5? नहीं कटेगा ना, पैसा लेते हैं और आपको पैसा वाला घटाओ तो आता ही आता है, इसलिए मुझे वो सिखाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए 10 में से 5 ये बचा हमारा 5, ये 9 हो गया, ये भी 9 बचेगा, ये भी देखिए 9 बचेगा, और ये क्या हो गया, तो यही तो सबको बांट रहा है, तो ये हो गया 1, यानी कि 0.19995 ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ऐसा हो फ्रेंड्स आपको। अब देखिए सब इजी इजी क्वेश्चन है, इसके बाद जितने भी क्वेश्चन है सब बहुत ही इजी, बहुत ही इजी, थोड़ा सा आपको भी देखिए लीजिए। देखिए इसमें क्या दिया गया है, एक देखिए ऐसा सवाल है, 5.346 - 2.976 कितना हार्ड है बताइए, तो उतारिए पहले, तो 5.346। अब इसको कैसे उतारना है, तो सबसे पहले दशमलव के नीचे उतारेंगे दशमलव, दशमलव की इस तरफ क्या है 2 है, तो यहाँ उतारेंगे 2, इस तरफ क्या है तो 9 7 6, तो यहाँ पे क्या उतारेंगे 9 7 6। अब घटा देना है, तो 6 में से 6 गया 0 बचा, 14 में से हाँ 4 के 4 से 7 तो घटेगा नहीं, तो बगल से लेंगे 14 बन जाएगा, तो 14 में से 7 जाएगा बचेगा 7, ये क्या देखिए 2 बच गया ना, तो 12 में से 9 गया बचा हमारा 3, ये क्या 4 हो गया, 4 में 2 गया बचा हमारा 2, देखिए 2.370 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि मैंने आपको आज जो सिखाया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब कल के वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ दशमलव का गुना और दशमलव का भाग, तो कल ये आपका पूरा पूरी फिनिश हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद फिर हम लोग सीखने वाले भिन्नों को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। बट कल आपका ये जो दशमलव का जो टॉपिक है आराम से पूरा पूरी फिनिश हो जाएगा, जब तक आप प्रैक्टिस कीजिए मेहनत कीजिए। और मैं लास्ट में एक ही बात बोलना चाहूँगा कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए, ताकि कुछ मेरा भी भला हो जाए आपका भी भला हो जाए। जो पसीना देखे जो निकल रहा है, ये पसीना का रंग मुझे भी दिखे अपने चैनल पे कि हाँ मेरे सब्सक्राइबर गेन हो रहे हैं, ताकि मेरा मेहनत और सफल हो रहा, मुझे भी मोटिवेशन मिले ताकि मैं और से और अच्छे क्वालिटी का वीडियो बनाऊँ। समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स कि मैं आपको बोलना क्या चाहता हूँ, जो ठीक है। बाय बाय, राधे राधे, आपको मिलता हूँ कल, जब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए और आप क्या करेंगे।